अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल अरेबियन राइस विद देसी तड़का। मतलब कि जो तड़का कुछ चटपटा चाहते हैं और कुछ डिफरेंट चाहते थे, उनके लिए आज मैं अरेबियन राइस विद देसी तड़का लाई हूँ। उसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको चिकन। आप चिकन ले लें और फिर उसके अंदर आप दही अच्छे से आप उसको मिक्स करके डालें ताकि दही एक लेवल की हो जाए, और फिर आप इसको चिकन में डालें। ये क्या हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है टिक्का मसाला, किसी भी आप कंपनी का ले सकते हैं। ये है सोया सॉस, और ये हम ज़रा देसी तड़का ज़्यादा स्पाइसी, जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं उसके लिए आप ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं, हरी मिर्चें, और जो नॉर्मल है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और ये लास्ट में मैंने लेमन जूस डाला था, और इसको अच्छे से मैरिनेट करके मैं रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छे से इसके मसाले अंदर चले जाएं और टेस्ट अच्छा सा बन जाए। ये लीजिए चिकन तो अब मैंने रख दिया है, अब हम जाएंगे इसके मसाले पे। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए ऑयल, आप ऑयल डाल लें, और फिर ज़ीरा। ज़ीरा मैं कोई भी चावल वाली डिश हो तो मैं इसमें लागी डालती, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी और फिर इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कर लूँगी। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे ना तो फिर मैंने इसमें टमाटर डालने हैं। अभी ये देखिए हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो रहे हैं, ये लीजिए हो गए। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी और फिर थोड़ा सा पानी, और फिर मैं इसमें अपने मसाले डालूँगी। मसालों में जाएगा नमक, हल्दी और लाल मिर्च। मैं इसे 3 मसाले डालूँगी और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए आप रख दें ताकि आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इजीली आप उसका छिलका पील कर सकें। ये देखिए मैंने इसको रखा था ना सीन पे, तो इसका ऊपर से ना इसका छिलका उतरने लग गया, ये इजीली उतर जाएगा। और फिर इसको अच्छे से आप भून लें ताकि एक लेवल का मसाला हो जाए। जब ये ऑयल छोड़ने लग जाएगा ना, तो फिर आपने जो टिक्का मसाला मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, फिर आपने वो डाल लेना है, और इसको भी आप कवर करके ना 10 से 15 मिनट ताकि चिकन भी अच्छे से पक जाए पूरे तरीके से और ये मसाला भी अच्छे से बन जाए। तो बस ये अब 15 मिनट बाद मैंने खोला तो ये अच्छे से चिकन हो गया, और अभी देखिए ये ऑयल ऊपर आने लग गया है। अब इसको 2 से 3 मिनट मैं अच्छे से भूनूँगी ताकि अच्छे से मसाला पक जाए और ऑयल अच्छे से आ जाए ऊपर। जब ऊपर ऑयल आ जाएगा ना, तो फिर आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और ये ज़रा ठंडा हो जाए, इसकी हीट सारी निकल आए और ये ज़रा ठंडा हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें अपने बॉयल नूडल्स डाल लिए तो ये ना वो ज़्यादा पक जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कुक कर लिया और फिर मैंने इनको दम भी लगाना है, तो फिर मैंने इसको ज़रा ठंडा किया और फिर मैंने इसको ना कोयले का धुआँ दे दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और टिक्का फ्लेवर ज़रा सा चटपटा टाइप का अच्छा सा बन जाए। तो बस इसको मैंने अब इसको कोयले का धुआं दे दिया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मेरा ये जो चिकन का मसाला है वो नूडल्स में अच्छे से चला जाए और ये एक अच्छे से इसका चावलों में डालने के लिए ना डिश सी बन जाए। जैसे आप बिरयानी का मसाला बनाते ना, आपने उसी तरह ये जैसे आप मसाला तैयार करते हैं वैसे आपने ये नूडल्स का मसाला अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसको मैं साइड पर रख लूँगी, तो अब मैं इसको दम लगाऊँगी। तो ये सबसे पहले प्लेट रखूँगी ताकि मेरे चावल नीचे से लगे ना, और अब ये मैं कढ़ाई लूँगी, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा पानी, पानी से डालूँगी ताकि स्टीम से ना चावलों में अच्छे से स्टीम बन जाए और अच्छे से दम लग जाए, इससे आपके चावल खिल भी जाएंगे और अच्छे से स्टीम बन के आपके चावलों को दम भी लग जाएगा। अब मैंने चावल डाले हैं और अब इसके अंदर मैंने मटीरियल डाल दिया अपना, और अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालूँगी। ये मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे, तो अब इसमें फ्राइज़ डाल के फिर मैं चावलों के लेयर लगाऊँगी। तो इस तरह आप इस तरह कर लें, और फिर एंड पे फिर से ऊपर आप फूड कलर डालेंगे। चावलों के लेयर लगाने, चावल के लेयर लगाने के बाद मैंने फूड कलर बनाया था थोड़ा सा पानी, और उसमें फूड कलर डाल के ना इसे मैंने मिक्स कर लिया था। और ये भी इसमें मैंने डाले हैं स्प्रिंग ऑनियन, मैंने दम पे डाला है, और फिर फ्राइज डाल के ये मैंने बॉयल किए हुए थे ये भी मैंने ऊपर डाल लिए हैं। इस तरह ये आपकी बिरयानी
देखने में भी प्यारी लगेगी और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो अब ये मैं इसको दम लगा दूँगी 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से स्टीम बने और चावल अच्छे से बन जाए। ये लीजिए दम लग गए और ये हमारी अरेबियन राइस विद देसी तड़का पुलाव बिरयानी चावल जो भी आप कह सकते हैं इसको, ये तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप भी घर में ज़रूर बनाएंगे। अगर आप बनाएं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी है और आपकी कैसी बनी है। यहाँ पे तो सबने बहुत मज़े से खाई है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, इजाज़त दें ताकि हम आपसे एक और वीडियो में दोबारा मिलें। दुआओं में याद रखें और ताकि मैं अच्छी अच्छी आपकी वीडियोस बना के लेके आऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।